माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य यजमान अभिनंदन प्रभाकर से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहूतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहूति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए माँ भक्तों को भजन कीर्तन कर निहाल किया। नवजीत भारद्वाज ने संत पद की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जिस तरह से बसंत हरियाली लाता है, उसी तरह से संत जहां भी जाते हैं जीवन में खुशहाली लाते हैं। बड़े सौभाग्य से और पुण्यों के प्रताप से संतों के चरण किसी घर में पड़ते हैं। संत जहां भी जाते हैं खुशहाली लेकर जाते हैं। संतों की दृष्टि और चरण रज से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संत कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी चमत्कार घटित हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि चमत्कार संत नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा करती है। वहीं उन्होंने बताया कि गुरु चरणों में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अदृश्य आशीर्वाद अवश्य मिलता है। श्रद्धा के साथ संत दर्शन के लिए बढ़ाए गए हर कदम से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, करण भार्गव, जसविंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल एडवोकेट, राजकुमार, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, गौरी, केतन, रिंकू सैनी, दिनेश शर्मा, अजय मल्होत्रा, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश कुमार, अशोक शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक के नजदीक स्थित है, मां के भव्य मंदिर अज दिव्य हवन यज्ञ जिहड़ा हर सप्ताहिक हुंदा है श्रृंखलाबद्ध, उहदा अज एक होर कड़ी महामाई की कृपा दे नाल जुड़ गई और भगतां ने दूरों दूरों आके महामाई के चरणों के नमन किया और आशीर्वाद लिया। मैं इस दे नाल नाल दसना चाहना कि मां बगलामुखी धाम के हर गुरुवार को अर्थात वीरवार को निःशुल्क बिना किसी पैसे तो हवन यज्ञ किया जाता। करबद्ध प्रार्थना है कि महामाई के दरबार से आके अपने नतमस्तक होवो और महामाई के दरबार से हवन यज्ञ आहुतियां डाल के अपना जीवन सफल करो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 31 दिसंबर रविवार को सवेरे एक बहुत विशाल अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप भी आओ, अपने घर परिवार बंधुओं के नाल आके महामाई का आशीर्वाद लो। 9 to 12 सवेरे हवन यज्ञ है और एक रात में विशाल माता जी की चौंकी का आयोजन किया जा रहा है 9 to 12। महंत अश्विनी शर्मा जी खड़तालों वाले पक्के भजन वाले महामाई के नाल आके भजनों सारे संगत को जोड़नगे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि महामाई का अतुट लंगर रात 9 बजे तो महामाई की इच्छा तक जारी रहेगा। सारे भाई बंधुओं भगत जनों करबद्ध प्रार्थना है कि मंदिर दे विच पहुंच के इस पुण्य के कर्म के भागीदार बनो। जयकारा जयकारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। अज मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक पर स्थित है, उसे मां दे भव्य मंदिर दे विच जिहड़ा हवन यज्ञ किए जाते हैं, कड़ी दे विच अज वीरवार दा जिहड़ा हवन यज्ञ किया गया और भगत जिहड़े सी उह सवेरे तों ही आके महामाई दरबार च हाजिर हो गए थे और इन्नी ठंड होने के बावजूद भी सारे भगत जिहड़े उह मंदिर परिसर च
उपस्थित होए और उन्होंने आके महामारी का हवन यज्ञ किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने मैं एक गल होर कहनी चाहना कि 31 दिसंबर जिहड़ा दिन रविवार उस दिन माँ का जिहड़ा एक मंदिर के विच वड्डा हवन यज्ञ किया जा रहा है।